हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो दोस्तों, आज हम आपको जिस देश की सैर करवाएंगे वो तो आप जानते ही हैं, दुनिया की सबसे पुराने और सबसे ऐतिहासिक देश और एक समय में दुनिया में सबसे ज़्यादा राज करने वाले। तो दोस्तों, अभी तो आप जान ही गए होंगे किस देश के बारे में बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज हम आपको घुमाने ले चल रहे हैं इंग्लैंड की। तो वैसे तो दोस्तों, पूरा इंग्लैंड ही सुंदर से भरा है, फिर भी दोस्तों हम इंग्लैंड के सबसे बेस्ट और टॉप 5 टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए आप हमारे वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट की पहले नंबर पर आता है द प्रीटीस्ट म्यूजियम। ये म्यूजियम ही एकमात्र म्यूजियम है दोस्तों कि वर्ल्ड में नंबर वन विजिटर में से एक है। ये दोस्तों वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले म्यूजियम है। अगर दोस्तों कलेक्शन की बात किया जाए तो इस म्यूजियम में 8 मिलियन से भी ज़्यादा कलेक्शन की गई है, जिसका करीब विजिटर 13 करोड़ से भी ज़्यादा है। दोस्तों, इसको सन 1753 में किंग जॉर्जियस ने बनाया था। इसका टोटल एरिया फैला हुआ है 80,07,000 स्क्वायर फीट पर। तो दोस्तों, अगर आप इंग्लैंड में जाते हैं तो ब्रिटिश म्यूजियम को एक बार ही से जरूर देखें। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट की सेकेंड नंबर पर आता है विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम। ये म्यूजियम दोस्तों दुनिया के सबसे बड़ा म्यूजियम है, जो कि आर्ट्स एंड डिज़ाइन के लिए बहुत ही फेमस है, जिसका कलेक्शन 2 मिलियन से भी ज़्यादा है। इसकी शुरुआत 1852 में महारानी विक्टोरिया एंड राजा अल्बर्ट के नाम से इसको रखा गया था, जिसका टोटल एरिया 12.5 एकड़ है। इस म्यूजियम में दोस्तों 5,000 साल पुरानी आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप पुरानी चीज़ें देखना पसंद करते हैं तो दोस्तों आपको इन म्यूजियमों में ज़रूर जाना चाहिए। तो दोस्तों, हमने लिस्ट की तीसरे नंबर पर आता है टावर ऑफ लंदन। अगर आप लंदन में जाते हैं तो दोस्तों आपको तो पता ही है कहाँ पे जाना है, लंदन ब्रिज। अगर आप लंदन ब्रिज के पास जाते हैं तो दोस्तों इसके पास ही है टावर ऑफ लंदन, जो 12 एकड़ में फैला है। पहले तो दोस्तों वाइट टावर के नाम से जाना जाता था, जिसको बनाया गया था 13th century में। तो दोस्तों, ये एक राजकीय किला है, जो दोस्तों आज के समय में इसका ओनर कौन है जानते हैं आप तो जानते ही होंगे, क्वीन एलिजाबेथ। तो दोस्तों, अगर आप इंग्लैंड में जाते हैं तो टावर ऑफ लंदन को एक बार ही से जरूर देखें। तो दोस्तों, हम लिस्ट के चौथे नंबर पर आते हैं न्यू फॉरेस्ट नेशनल पार्क। ये दोस्तों एक राजकीय पार्क है, जो कि दोस्तों मिलन 3 के लिए सबसे फेमस है, जिसका कुल एरिया 566 किमी है। दोस्तों, इसका ऑफिशियल नेम है द न्यू फॉरेस्ट, जिसका कुल विजिटर 41.75 मिलियन से भी ज़्यादा है। दोस्तों, ये पार्क दोस्तों पूरा का पूरा हरियाली से भरा है। अगर आप नेचर से प्यार करते हैं तो दोस्तों आपको इस पार्क पे जरूर जाना चाहिए। तो दोस्तों, हमने लिस्ट की 5वें नंबर पर आता है पीक डिस्ट्रिक्ट नेशनल पार्क। इसका कुल एरिया 555 स्क्वायर मीटर पर फैला है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1951 में, तक कि इसकी विजिटर 13 मिलियन है। तो दोस्तों, आपको हमारे वीडियो कैसा लगा? अगर आप टूरिज्म के बहुत सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब